एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया बिल्कुल वैसी मूवी निकली जैसी कि हमने उम्मीद लगाई थी, यानी कि एकदम बकवास। और ये एक बकवास मूवी होने वाली है, इस बात का पता लोगों को कहीं ना कहीं पहले ही लग गया था जब इसका ट्रेलर आया था, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को इस मूवी की पूरी स्टोरी पता चल गई थी, जिस कारण लोग इस मूवी को देखने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं थे जितने कि एमसीयू की बाकी मूवीज के लिए होते हैं। और वैसे भी लोग एक मूवी को तभी देखते हैं या तो मूवी की स्टोरी अच्छी हो या फिर मूवी के एक्टर्स की एक्टिंग, लेकिन ये मूवी इन दोनों ही मामले में बहुत ही ज्यादा अनलकी है, क्योंकि ना तो इस मूवी की स्टोरी में दम है और इससे पहले भी हम एंटमैन की दो मूवीज देख चुके हैं जो कि एमसीयू की बाकी मूवीज के हिसाब से कुछ ज्यादा खास नहीं थी। अच्छा, जिस कारण लोगों को इस मूवी की स्टोरी भी खास नहीं लगी, और दूसरा ना ही एंटमैन की एक्टिंग में वो बात है जो कि एमसीयू के बाकी सुपर हीरोज की एक्टिंग में होती है। सही बात है, और इस बात को कहीं ना कहीं खुद एमसीयू भी जानता है, तभी तो उन्होंने एंटमैन को हमेशा एक अंडररेटेड सुपर हीरो बना के रखा और उसे कभी भी इतनी इज्जत नहीं दी जितनी कि एमसीयू के बाकी सुपर हीरोज को दी जाती है, जिस कारण कहीं ना कहीं हम सब भी एंटमैन को एक नूबी समझते हैं। और अगर एंटमैन को बाकी सुपर हीरोज जितनी इज्जत दी होती तो आज इस मूवी का ये हाल नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है, क्योंकि एक बार को भले ही मूवी की स्टोरी अच्छी ना हो लेकिन फिर भी लोग अपने सुपर हीरो के लिए मूवी को एक बार देखने चले जाते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पर थोर लव एंड थंडर मूवी को ले सकते हैं, जिसकी स्टोरी में बिल्कुल दम नहीं था लेकिन फिर भी लोग थोर के लिए उस मूवी को देखने गए थे। और अगर इसकी जगह आयरन मैन की मूवी होती तब भी लोग इस मूवी को देखने जाते क्योंकि इन दोनों ही सुपर हीरो की काफी ज्यादा हाइप है। लेकिन एंटमैन इस मामले में बिल्कुल भी लकी नहीं है, वो तो लोग इस मूवी को कैंग और एमसीयू के नाम की वजह से देखने के लिए चले गए, जिस कारण इस मूवी ने इंडिया में पहले दिन में 8 से 9 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। नहीं तो इस मूवी का भी इंडिया में वैसे ही हाल होता जैसा कि शहजादा मूवी का हो रहा है। और अगर आगे ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब डीसी वाले एमसीयू से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि एमसीयू का फेज 4 भी कुछ ज्यादा खास नहीं रहा और अब फेज 5 की शुरुआत भी ऐसी हुई है, इसलिए एमसीयू को अब दिमाग से काम लेना पड़ेगा। और वैसे भी जब से एंड गेम में आयरन मैन को मारा गया है तब से एमसीयू पर मनुष्यता सी छा गई है और अब एमसीयू की किसी भी मूवी को देखने में वो मजा नहीं आता जो कि पहले आता था, इसलिए आयरन मैन को वापस एमसीयू में लाना चाहिए। सही बात है, ताकि वो फिर से एमसीयू को रिवाइव कर सके जैसे कि एसआरके ने किया है बॉलीवुड को। तो मेरी तरह कौन कौन चाहता है कि आयरन मैन एमसीयू में वापस आए, और मेरी तरह आयरन मैन किस किस का फेवरेट है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं इसी साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।